थर्ड एप्लीकेशन है एम्पियर सर्किट लॉ की, कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। ये हमने बायोट सेवेट लॉ में भी किया था कि लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के अंदर, ये लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो एक काम करते हैं आर डिस्टेंस दूर आपको बी निकालना है तो टेक अ क्लोज्ड पाथ। तो ये करंट कैरिंग वायर है, ये कुछ नहीं है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये करंट ये करना ना, ये करंट नहीं है, ये करंट कैरिंग वायर है और ये इसके आसपास एक क्लोज्ड पाथ है इमेजिनरी। तो आप करंट क्योंकि ऊपर है तो क्लोज्ड पाथ की डायरेक्शन ऐसे होगी, तो डीएल भी बोर्ड के अंदर और बी भी बोर्ड के अंदर होगा। तो इस क्लोज इस स्मॉल एलिमेंट के ऊपर बी डॉट डीएल क्या होगा, बी डीएल कॉस जीरो, बी डीएल कॉस जीरो, और टोटल इंटीग्रेशन लेंथ की क्या होगी, डीएल 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 मिलाओगे तो टोटल 2 पाई आर आ जाएगा। तो बी डॉट डीएल क्या आएगा, बी इंटू 2 पाई आर। अब एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है, बी डॉट डीएल क्या होगा, म्यू नॉट इंटू कितना करंट इस क्लोज पाथ के अंदर जा रहा है, कितना करंट जा रहा है इसमें से आए, तो यहां पर क्या आएगा, म्यू नॉट टाइम्स आए। स्टेप क्लियर है यहां तक? तो एक तो ये इंटीग्रेशन कर लिया बी इंटू 2 पाई आर। एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है कि इसमें बी डॉट डीएल क्या होता है, म्यू नॉट इंटू कितना करंट इस लूप में से जा रहा है, कितना जा रहा है आई, म्यू नॉट इंटू आई। तो यहां से इक्वेट कर लिया, इक्वेट करके बी की वैल्यू आ गई, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से आपका वही आंसर आ गया इनफाइनाइट वायर का जो आप अभी बायोट सेवर्ट लॉ में करके आए। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक?